हे गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और दोस्तों आजकल एक अच्छा आपको ईयरफोन लेने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक के बाद एक नए ईयरफोन्स लॉन्च हो रहे हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है काफ़ी कम प्राइसेस पर आपको मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में एक नया ईयरफोन जो रेडमी की तरफ से आता है, वायरलेस नेक बैंड आप इसे कह लें, ये आज की वीडियो हम रिव्यू करने वाले हैं रेडमी सोनिक बेस। और इस जो ईयरफोन के प्राइस हैं वो है 1000 रुपये, 999 रुपीज़ में आपको ये फ्लिपकार्ट से मिल जाता है, वहीं से मैंने इसे परचेज़ किया है। तो देखते हैं क्या फीचर्स क्या क्वालिटी आपको ये फोन जो है 1000 रुपए में ऑफर करता है। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लुक्स की और बिल्ड क्वालिटी की। कुछ इस तरह के लुक में आपको ये ईयरफोन मिल जाते हैं। अब 1000 रुपए में क्या आपको कंपनी ऑफर कर रही है ये देख लेते हैं। अगर हम यहां पर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और यहां पर कंप्लीट प्लास्टिक का बना हुआ है। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, फर्स्ट लुक की बात करूं, यहां पर जो क्वालिटी है एवरेज मिल जाती है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी सही है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रीमियम तो आपको इस रेंज में नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक मैट फिनिश में आपको ये पूरा जो है ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं। कहीं भी कोई कलरफुल आपको ऑब्जेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, प्योर ब्लैक में आपको मैट फिनिश में ये मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैग्नेटिक आपको ऐसे ये अटैच हो जाएंगे, लेकिन अटैच होने के साथ साथ इसके अंदर आपको मैग्नेटिक कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, यानी पावर ऑफ वगैरह नहीं होगी जब ये आपस में पेयर भी होंगे, ऐसे टच भी होंगे, जो कि फीचर आपको इसके अंदर नहीं मिलता 1000 रुपये में। शायद मिल जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और यहाँ पर अगर कंट्रोल्स की बात करें तो राइट हैंड साइड पर जो है सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं इस वाली साइड पर। और इन कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पर आपको अलग से जो है एक बटन मिल जाता है जो पावर ऑन ऑफ का है, जिसे प्रेस करके रखेंगे तो पावर ऑन हो जाएगी या ऑफ हो जाएगी, और सिंगल प्रेस करेंगे तो प्ले पॉज आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको वॉल्यूम के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो वॉल्यूम के बटन्स है ये मल्टी फंक्शन बटन है, यानी इससे आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ट्रैक्स को चेंज भी कर सकते हैं, आगे या पीछे भी ट्रैक्स को कर सकते हैं। और जो पावर ऑन ऑफ वाला बटन है इसको आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, डबल टैप करेंगे तो ये जो गूगल सीरी या बिक्सबी वगैरह जो है वॉइस असिस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो लुक है वो एक प्लेन सिंपल लुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब देख लेते हैं कि फिटिंग आपको कैसे मिल जाती है। तो यहाँ पर फिटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योर है, निकल कर नहीं गिरेंगे, और वैसे तो नेक में है तो ईजीली आप आराम से इसको पहन सकते हैं, गिरने की कोई झंझट ही नहीं है, ऐसे ईयरबड्स के अंदर होता है। और फिटिंग काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब ईजी है, कोई ऐसा नहीं लगता आपने हैवी चीज़ लगाई हुई है। और जो ईयर टिप्स हैं आपको बॉक्स में मिल जाती हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने ईयर के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ जो बॉक्स में नहीं मिलती, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग हुई है कि आपको इसके अंदर माइक्रो यूएसबी केबल नहीं मिलती। अब मुझे नहीं लगता कि कंपनी को वो पैसे बचाने चाहिए थे, केबल चार्जिंग के लिए तो आपको मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर साइड में आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट जो है देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, ये क्या फीचर्स और क्या स्पेसिफिकेशन इन ईयरफोन्स के अंदर आपको मिल जाती है। सबसे पहले ये जो ईयरफोन है ये आते हैं IPX4 रेटिंग के साथ, तो स्वेट वगैरह हल्का फुल्का पानी आराम से झेल लेंगे, तो वर्कआउट के टाइम पर काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स रहने वाले हैं। ब्लूटूथ 5.0 के साथ आते हैं तो कनेक्शन आपको काफ़ी अच्छा इसके अंदर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मिल रहा है, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा ऐसी क्वालिटी में मिल जाती है कॉल्स वगैरह की। और साथ ही साथ जो प्लेबैक टाइम है यहाँ पर वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि आपको आसानी से यहाँ पर इन ईयरफोन्स के अंदर 10 से 12 घंटे का प्लेबैक टाइम तो आसानी से मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आप थोड़ा सा 2-3 घंटे भी यूज़ करते हैं तो 2-3 दिन आराम से आपके ईयरफोन चलने वाले हैं। आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है किस वॉल्यूम लेवल पर आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो थी सारी स्पेसिफिकेशन की बात। अब बात आती है क्या म्यूज़िक क्वालिटी और क्या कॉल क्वालिटी आपको इन ईयरफोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। सो कहते अब बात कर लेते हैं म्यूज़िक क्वालिटी की, कैसी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो सबसे पहले जो उनका नाम है उसी से हम शुरुआत करते हैं, प्रो बेस। तो यहाँ पर बेस जो है वो काफ़ी बढ़िया थम्पी आपको बेस मिल जाती है, तो अगर आप बेस लवर हैं तो ये ईयरफोन आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन और चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर लाउडनेस की बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया आपको उसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पर क्लैरिटी जो है वो मुझे स्पेशली काफ़ी पसंद आई है इन ईयरफोन्स के अंदर। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी है वो है कि हाइस पर मतलब इतना मज़ा नहीं आया, सेपरेशन इतनी बढ़िया नहीं है। तो ओवरऑल म्यूज़िक क्वालिटी अगर मैं देखूं तो आपको एवरेज मिल जाती है, लेकिन अगर इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखूं तो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है 1000 रुपये के अंदर। दोस्तों अब बात आती है क्या 1000 रुपये में आपको ये ईयरफोन्स जो शॉमी ब्रांड की तरफ से आते हैं रेडमी के ईयरफोन्स आपको लेने चाहिए या नहीं। तो अगर आपका बजट टाइट है, 1000 रुपये आप खर्च करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी वगैरह आपको मिलती है। कॉल्स जो है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन के साथ आता है, तो नॉइजी एरिया में है तो कॉल्स वगैरह आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा सकते हैं
2000 रुपये के आसपास खर्च कर सकते हैं तो और आपको ईयरफोन्स मिल जाएंगे जिसमें आपको जो है थोड़ी सी और बेहतर क्वालिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 9.2 mm के म्यूजिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं, उसमें और अच्छे ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे तो उसमें थोड़ा सी म्यूजिक क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। बाकी बेसिक चीज़ें तो सब कुछ आपको अंदर मिल जाती है। एक जो मैग्नेटिक कंट्रोल्स नहीं मिलती, यानी पावर ऑफ हो जाती है टच करते ही, बैटरी सेव होती है, वो चीज़ आपको इसमें नहीं मिलती। तो ओवरऑल 1000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बता दीजिए ये वीडियो आपको कैसे लगे, ये ईयरफोन कैसे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, लाइक का बटन जोर से दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए कहता हूँ रोज ऐसी वीडियोज, ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट्स आपको पसंद है आपके काम में। दोस्तों मैं हूँ वहीं, खुदा हाफिज़।